तो ये भी एक अपडेट है आपके लिए कि अभी अगर आपने अपनी जाहिज़ की आईडी बनवानी है तो आपको काफ़ी दोस्तों की आईडियां बंद हुई हैं। ज़बरदस्त हो गया, बारिश भी हल्की हल्की आ रही है। मौसम उम्मीद है कि अभी कुछ ठंडा हो जाएगा, गर्मी का जोर जो है वो टूट जाएगा। बारिश के मौसम में काम करने का अपना ही मज़ा है यार। बारिश के साथ साथ समंदर के भी नज़ारे देख लें। यहाँ पे आया था मैं डिलीवरी देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल और करम के साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर किस्म की दुख तकलीफ़ और परेशानी से महफूज रखे। तो इस दुआ के साथ दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो अभी दोस्तों सुबह के तकरीबन 7 बजने वाले हैं और अभी निकलने वाला हूँ जी काम पे। तो आज से रूटीन जो है वो थोड़ी सी चेंज करने लगे हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे जाहेज़ पे जो बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं आ रहे, पता नहीं क्या मसला हो गया है। वैसे तो मैं 2-3 दिन बीमार था, इस वजह से काम पे भी नहीं गया। कल मैं गया था तकरीबन 3 बजे घर से निकला था, और 3 बजे से लेकर शाम को तकरीबन मगरिब तक कोई भी ऑर्डर नहीं आया, खड़े हो के कभी उस रेस्टोरेंट के पास कभी उस रेस्टोरेंट के पास वापस आ गया। और उसके बाद मगरिब के बाद फिर खाना वाना खा के ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर गया, फिर घंटा डेढ़ खड़े रहे, कोई ऑर्डर नहीं आया। तो मैंने सोचा आज से कुछ रूटीन चेंज करते हैं, सुबह के टाइम देखते हैं अगर कोई ऑर्डर ऑर्डर आते हैं तो, और उसके बाद फिर आपके साथ जो भी अपडेट होगी वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों के साथ भी यही मसला है क्या कि ऑर्डर नहीं आ रहे जायज़ के? या 2U पे भी काम कर रहा हूँ, 2U के भी ऑर्डर बिल्कुल भी, कल सुबह के टाइम में गया था तो सिर्फ 2 ऑर्डर किए थे और उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं आया। और जाहेज़ में भी यही सूरत हाल है, कोई ऑर्डर नहीं आ रहे। पता नहीं क्या वजह है, कोई सिस्टम में अपडेट की है या क्या है। तो सुनने में तो यही आ रहा है कि अभी थोड़ा सा उन्होंने सिस्टम में चेंजिंग की है। एक तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मेरी जो आईडी थी जाहेज़ की वो बंद हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर तमाम में जो है काफ़ी दोस्तों की आईडियाँ बंद हुई हैं। जो पैसे दे के हमने आइडियाँ बनवाई थी वो आइडियाँ काफ़ी दोस्तों की बंद हो गई, मेरी खुद की आईडी बंद हो गई थी। तो काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि आईडी चाहिए, मैंने बताया यार मेरी खुद की आईडी नहीं बन रही। तो ये परसों मेरी आईडी बनी है रात को, वो भी मेरे ख्याल में मदीना शहर से बनी है। तो अभी फ़िलहाल तो ऑर्डर नहीं आ रहे। तो ये भी एक अपडेट है आपके लिए कि अभी अगर आपने अपनी जाहिज़ की आईडी बनवानी है तो आपको बड़ा इकामा किसी का भी लेना पड़ेगा, उसी के नाम पे गाड़ी हो, उसी का रुख्सा, उसका इस्तेमाल सब कुछ हो, तो उसके बाद ही जो है ना जाहेज़ की आईडी अब बन पाएगी। एक दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास गाड़ी 2010 मॉडल से ऊपर है तो आप उस गाड़ी को किसी बड़े इकामे वाले के नाम पे ट्रांसफ़र करके जो अफसर से तफवीज़ बन जाती है, आर्जी तौर पे उसके नाम पे हो जाती है, वो बनवा के उसके बाद दोबारा कैंसिल कर सकते हैं। इस तरीके से आईडी बन जाएगी। और इसके अलावा तो कोई हल नहीं है, आइडियाँ जो है अभी मकतब वाले दूसरों के नाम से नहीं दे रहे, कहते हैं कि बड़ा ही कामा लेके आओ, उसी के नाम पे सारे जो गाड़ी के कागज़ वगैरह हैं सब कुछ उसी के हों तो फिर ही आईडी हम बना के देंगे। मैं गया था एक मकतब में लेकिन उन्होंने नहीं बना के दी। ठीक हो गया जी, तो चलते हैं अभी, निकलते हैं काम के लिए और उसके बाद देखते हैं क्या काम आता है नहीं आता, जो भी सूरत हाल होगी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो चलिए जी चलते हैं काम पे। जी तो दोस्तों 7:30 हो रहे हैं और पहला ऑर्डर मैंने रिसीव कर लिया है। ये मेरे बैक साइड पे है जी आर्ची, तो ये ऑर्डर है आर्ची का, है थोड़ा दूर का, 27 रियाल जो है डिलीवरी चार्जेस हैं और 267 रियाल का ये ऑर्डर है। तो चलते हैं जी डेस्टिनेशन की तरफ, जाके ये ऑर्डर डिलीवर करते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे और कोई ऑर्डर आता है या नहीं। जी तो दोस्तों एक ऑर्डर मैंने कम्प्लीट कर लिया है जाहेज़ का, और उसके बाद अभी 2U का ऑर्डर आया है। तो 2U का ऑर्डर लेने के लिए मैं आया बैठा हूँ यहाँ पे, ये रेस्टोरेंट है अमरेला, तो यहाँ पे थोड़ी सी देर है तो इसलिए बाहर आके ही बैठ गया हूँ। तो ये ऑर्डर लेते हैं दूसरा और उसके बाद ये डिलीवर करते हैं। अभी काम कुछ बेहतर लग रहा है सुबह के टाइम में शाम की निस्बत, तो देखते हैं अभी क्या सूरत हाल बनती है। अभी मैं आया हूँ खुबर में, काफ़ी दूर की लोकेशन थी, तकरीबन जो मेरा जाहेज़ का पहला ऑर्डर आया 20 से 22 किलोमीटर का जो है वो सफ़र था। तो लेकिन क्या करें, अभी दूर के ऑर्डर भी उठाने पड़ेंगे क्योंकि काम शाम के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता, इसी वजह से फिर ये दूर के ऑर्डर भी जो हैं वो पिक करने पड़ते हैं जी। अभी ये दोनों आइडिया मैंने ओपन की हुई हैं, अभी 2U भी ऑर्डर आ गया तो मैंने 2U का पिक कर लिया, तो ये डिलीवर करते हैं। ये उम्मीद है कि ये 2U का जो ऑर्डर है ये नज़दीक का ही होगा।
ज़बरदस्त हो गया है, बारिश भी हल्की हल्की आ रही है। और अभी टाइम हो रहा है जी तकरीबन दोपहर के 2 बजने वाले हैं, और आर्डर अभी मेरे पास आया है जी तीसरा, तो ये मुस्तशफे का आर्डर है, यहाँ पे आके दे रहे हैं। दिनों के बाद जी यहाँ पे दमाम में बारिश आ रही है, तो मौसम उम्मीद है कि अभी कुछ ठंडा हो जाएगा, गर्मी का ज़ोर जो है वो टूट जाएगा। ये देखें जी माशाल्लाह मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया है, हल्की हल्की बारिश और साथ में हल्की हल्की हवा। बारिश के मौसम में काम करने का अपना ही मज़ा है यार। अच्छा दोस्तों 2:20 हो रहे हैं और आर्डर मेरे हुए हैं जी अभी तक 4, तो देखते हैं आज कितने आर्डर होते हैं। अभी तो बारिश का भी बारिश भी शुरू हो चुकी है और मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, तो अभी तो इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्डर दें, खाएं पिएं मज़े करें। चलो हमारी तो मजबूरी है, इनकी तो मजबूरी नहीं है, तो देखते हैं जी शाम तक क्या सिचुएशन बनती है, कितने आर्डर कर पाते हैं। बारिश के साथ साथ समंदर के भी नज़ारे देख लें। यहाँ पे आया था मैं डिलीवरी देने के लिए, तो साथ ये थोड़ा सा समंदर का भी व्यू ले लें। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश तो अभी रुक चुकी है, मौसम फिर भी है। अभी दोस्तों 5वीं डिलीवरी लगी है, 5 हो चुकी हैं कंप्लीट और टाइम हो गया जी 3 का, तो अभी देखते हैं। और भी ये असर की नमाज का टाइम भी हो गया, नमाज अदा करते हैं और उसके बाद आगे जो है दोबारा। जी तो दोस्तों अभी तकरीबन रात के 7 बजने वाले हैं और अभी आ गए घर पे जी, खाना वाना खाया है, ईशा की नमाज पढ़ते हैं और टूयू पे लगी हैं जी 7 और जाहिज़ पे लगी है 1। टूयू पे 88 रियाल का काम हुआ है और जाहिज़ पे हुआ है जी 27 रियाल का, टोटल 115 रियाल का काम हुआ है आज। तो अभी जो है रश बहुत ज़्यादा हो गया, सारी टुकड़ियाँ वगैरह सारे बंद हैं, तो अभी जाने का फ़ायदा नहीं है, अगर एक भी आर्डर फंस गया ना तो सारे दिन की बचत उसमें चली जाएगी और जुर्माना जो है वो अलग से आएगा। तो इस वजह से बस अभी आज जो है आज बस करते हैं, 2-3 घंटे ठहर के देखें, अगर कोई आर्डर आया तो फिर चलेंगे। तो आज के इलाक में फिर इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।